जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 60,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए, और याद रखिएगा यूपी पुलिस के लिए आपके पास है सिपाही बैच, क्रैश कोर्स है 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास है, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। फौजी बैच है आपके लिए लाइव 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। याद रखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? केप ऑफ गुड होप जो है ये कहाँ पर है? ये है आपके अफ्रीका में, है ना, जो अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज किसने की थी? मैगलन ने, कोलंबस ने, बोर्थोलोम्यू डायस ने और वास्को डी गामा ने। हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप इन 1488? मैगलन, कोलंबस, बोर्थोलोम्यू डायस और वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि बोर्थोलोम्यू डायस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बोर्थोलोम्यू डायस, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर जो केप ऑफ गुड होप है जो कि साउथ अफ्रीका में, इसकी खोज बोर्थोलोम्यू डायस ने की थी। साथ में याद रखिएगा, जो वास्को डी गामा है इसने भारत की खोज की, बेसिकली भारत को खोजने वाला ये था, और ये भारत आया था, कालीकट में उतरा था ये, कब? 1498 में। कब? 1498 में ये उतरा था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कब उतरा था? 1498 में उतरा था। इसका स्वागत किसने किया था? इसका स्वागत किया था जमोरिन ने, एक स्थानीय शासक था जमोरिन, जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था, यह याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा, वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली है जो भारत आया है, जो वास्को डी गामा है यह पहला पुर्तगाली है जो भारत आया है। तो भारत आने वाले व्यापारियों में, है ना, जो विदेशी व्यापारी हैं उनमें पहले हैं पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1510 तक, है ना, पुर्तगालियों ने 1510 तक गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, यह याद रखना। इन्होंने ही चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी जो स्टार्ट की थी वो इन्होंने ही की थी। किस लिए की थी? तो याद रखिएगा, मतलब ये कहते थे कि जैसे अरब सागर है, एक समय तो अरब जो है वो अरब सागर पर पूरी तरह से जो है वर्चस्व था, किसका? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली कहते थे कि अगर आपको यहां से जहाज लेना, ना इवन यहां पर, पूरे विश्व में जो समुद्री रास्ते थे उन पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाली कहते थे अगर आपको यहां से अपना जहाज लेकर जाना है तो बदले में हमें कर दे के जाना होगा, और अगर आप कर देकर नहीं जा रहे हैं तो तोप के जरिए जो है ये क्या करते थे, तोप के जरिए जो है ये उन जहाजों को क्या कर देते थे, डुबो देते थे, ठीक है। तो इसी को बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके कारण पृथ्वी के तापमान में कमी आती है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, कोई भी विकल्प सही नहीं है।
ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसका कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में कमी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के तापमान स्थिर रहता है, या कोई विकल्प इसको लेकर सही नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ये होता है ऐसा है, जैसे ये पृथ्वी है और इसका ये है वातावरण, जैसे बाहर से कोई किरण, मतलब जो विकिरण है वो आए, पृथ्वी द्वारा जब विकिरण छोड़े गए, है ना, तो ये ना ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो पृथ्वी जो विकिरण छोड़ती है ट्रैप हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अंदर का जो तापमान है ना ये बढ़ने लगता है। देखो दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये है इसका वातावरण, ठीक है, तो जो सौर विकिरण है ये आके पृथ्वी से टकराते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये आके पृथ्वी से टकराते हैं। क्यों? क्यों ये इस वातावरण को पार कर लेते हैं? क्योंकि ये लघु तरंग दैर्ध्य में होते हैं। किसमें? लघु तरंग दैर्ध्य में विकिरण होती है, इसलिए ये वातावरण को पार करके पृथ्वी की सतह से आके टकराते हैं। इससे पृथ्वी गर्म होती है, फिर पृथ्वी कुछ विकिरण छोड़ती है, और ये विकिरण जो है ये क्या होते हैं, ये इस वातावरण में ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के होते हैं। किसके होते हैं? दीर्घ तरंग दैर्ध्य के, और दीर्घ तरंग दैर्ध्य इसको पास नहीं कर पाती, और इनमें योगदान कौन देता है? CO2 देती है, जलवाष्प देती है, मीथेन देती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो इसमें जो है योगदान देती हैं। और इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये जो वातावरण है वो गर्म होता है, यानी कि पृथ्वी के तापमान में क्या होगी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बाहित मल और कचरा, ऑटोमोबाइल रेचन, शाकनाशी और कीटनाशी, औद्योगिक सहायक नदियां। व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? जो विश्व है, विश्व में जो सबसे बड़ा स्रोत है पॉल्यूशन का वो क्या है? बाहित मल और कचरा, ऑटोमोबाइल रेचन, शाकनाशी और कीटनाशी, औद्योगिक सहायक नदियां, है ना। तो विश्व में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है या सबसे बड़ा स्रोत है ना, सोर्स है, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, और वो क्या है? वो हो जाएगा आपका बाहित मल और कचरा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाहित मल और कचरा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से बह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरल सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सी विच इज लैंड लॉक्ड? इनमें से कौन सा वह सी है जो लैंड लॉक्ड है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो बीच में क्या है, बीच में सागर है और उसके चारों ओर क्या है, भूमि है, मतलब ये भूमि है और ये है सागर, इसे बोलते हैं आपका लैंड लॉक्ड कंट्री, सॉरी लैंड लॉक्ड सी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लैंड लॉक्ड कंट्री, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अफगानिस्तान है ना, अब यहां पर भी भूमि है, यहां भी भूमि है, यहां भी भूमि और यहां भी भूमि, और ये कुछ अलग अलग देश हैं, तो ये क्या, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब इसका कोई भी भूमि का हिस्सा कहीं भी पानी से टच नहीं हो रहा, मतलब समुद्र से टच नहीं हो रहा, तो ये क्या, ये हो जाएगी लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस कंट्री की जगह पर अगर सागर हो और इसके चारों ओर भूमि हो तो यह क्या, ये हो जाएगा लैंड लॉक्ड सी। क्या हो जाएगा? लैंड लॉक्ड सी। तो भाई पूछ रहा है इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड सी है, लाल सागर, तिमोर, उत्तरी सागर और अरल सागर, है ना। लाल सागर, तिमोर आपका, उत्तरी सागर और अरल सागर, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका अरल सागर। अरल सागर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ये भी याद रखना, है ना, मतलब 50% तो हो भी जाए, जो अरल सागर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और ऑलमोस्ट 50% तो रिड्यूस हो भी गया है, ठीक है। आगे देखो, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और की बनी है, जो महासागर है इसकी परपटी किसकी बनी है? देखो पृथ्वी जो है उसको तीन भागों में तोड़ सकते हैं, आंतरिक संरचना को अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका कोर, यह हो जाएगा आपका मेंटल और यह हो जाएगा आपका क्रस्ट। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका क्रस्ट। याद रखना क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका कॉन्टिनेंटल, ठीक, क्या
एक हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल, क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक हो जाएगा आपका ओशियनिक क्रस्ट, डिवाइड ही कर दो, ठीक है, कौन सा, दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्टिनेंटल और एक आपका ओशियनिक। तो जो पूछ रहा है ओशियनिक है या जो महासागरीय है, क्या है, ओशियनिक है या आपका जो महासागरीय क्रस्ट है, यह किस किस का बना है, मैग्नीशियम लोहा मैग्नीज और सल्फर। द ओशियन क्रस्ट इज मेनली मेड ऑफ सिलिका एंड, किससे बना है, तो याद रखिएगा यह बना है सिलिका और मैग्नीशियम से, देखो। और जो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट है, यह किससे बना है, यह बना है आपका सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसे बोलते हैं सियाल, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। महासागरीय जो है इसको बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं, सीमा, क्या बोलेंगे, सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे, सिलिका और मैग्नीशियम इसको कहा जाता है, यह याद रखना। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मेंटल को अभी दो में डिवाइड करते हैं, एक है आपका अपर मेंटल और एक है आपका लोअर मेंटल, सेम क्रस्ट के साथ है, अपर क्रस्ट सॉरी कोर और लोअर कोर, ठीक है, यह भी याद रखना। आगे, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, इनमें से कौन सा वह प्रदेश है जहां पर पूरे साल वर्षा होगी, जैसे मान लो यह है पृथ्वी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह है मान लो आपकी पृथ्वी, यह है 0 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय से यहां तक का मतलब ये वाला क्षेत्र जो है यह कौन सा है, यह है आपका उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं जहां पर भूमध्य सागर है, कहने का मतलब कौन सा, जैसे मान लो यह है अफ्रीका, ठीक है, यह अफ्रीका और यहां पर ये इटली वगैरह और फिर ये एशिया और फिर यहां पर ये यूरोप, ठीक है, ये क्या है, ये है भूमध्य सागर, क्या है, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, ये जो भूमध्य सागर है, ठीक है, इसके और पास के क्षेत्र में, एक तो ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है इसके और पास में, ठीक है, तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय मतलब इनके क्षेत्र में, ये वाला हिस्सा जो है इस क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में, ये है शीतोष्ण, ये क्या है, या इस क्षेत्र में कहां पर वर्षा पूरे साल होती है, तो याद रखना वर्षा जो पूरे साल होती है ये होती है आपके विषुवतीय 0 डिग्री वाले क्षेत्र में, कहां होती है वर्षा जो होती है यह होती है आपके 0 डिग्री वाले क्षेत्र में, ठीक है, कहां पर, विषुवतीय, ठीक, याद रखोगे इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, विषम पद का चुनाव करो, पेट्रोलियम कोयला ईंधन की लकड़ी और विद्युत, चूज द ऑड टर्म ऑफ द फॉलोइंग, जो है लिखे हुए हैं इनमें से ऑड क्या है वो पूछ रहा है, ठीक, इनमें से ऑड क्या है वो बताना, ऑड क्या है इनमें से, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम कोयला और ईंधन की लकड़ी, ये क्या है, ये एक तरह से कहें तो ईंधन के डायरेक्ट सोर्स, क्या है, ये ईंधन है, अगर इन तीनों को देखोगे ना तो ये क्या है, ईंधन, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एकदम अलग है ना, जिससे आप लाइट जला सकते हैं, है ना, ये ईंधन में नहीं आती है, किसमें, ईंधन या संसाधन में नहीं आती है, ये संसाधन है, ये तीन जो है ये क्या है, ये तीन जो है ये संसाधन है, ठीक है, और ये विद्युत है, ठीक है, समझ में आ गया। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर और ग्लासलैंड, द एरिया फेमस फॉर मेनी टाइप ऑफ वाइन एंड शैंपेन इज, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर और ग्रासलैंड,
द एरिया फेमस फॉर मैनी टाइप ऑफ वाइन एंड सैंपेन इज, मतलब शराब और सैंपेन के लिए प्रसिद्ध इनमें से क्षेत्र कौन सा है वो बताना, कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है शराब के लिए और सैंपेन के लिए। तो शराब और सैंपेन की बात मैं करूं और प्रसिद्ध क्षेत्र की बात करूं तो यह है भूमध्य सागर यहां पर, और यह क्षेत्र अंगूर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इसी को कहते हैं आपका विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं आपका विटीकल्चर, यह याद रखना। भूमध्य सागर में याद रखिएगा जो क्षेत्र है यहां पर सर्दी में वर्षा होती है, क्या होती है यहां पर सर्दी में वर्षा होती है, यह याद रखना। आगे, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, पूछ रहा है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, क्या हो जाएगा वो बताना है ना। विश्व पृथ्वी का विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है ना, तो इनमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा, देखो एक होता है आपका जलमंडल, ठीक है, एक होता है आपका स्थलमंडल, या इसे ऐसे मानो जैसे ठीक ये इंसान और यहीं पर पेड़ पौधे, ठीक है, और यहीं जानवर भी, ये कैसा जानवर है जो भी है, ठीक है, ठीक जानवर यही मान लो, कैसे बनाऊं, हाँ ठीक है मान लो ये जानवर भी है, ये ठीक है, ये इसकी पूंछ है, ठीक, ये क्या है, ये जल है, इसी में सार्क वगैरह है बाकी की सब चीजें, ठीक है, और यहां पर बाज उड़ रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका जलमंडल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्थलमंडल, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका वायुमंडल, क्या हो गया, ये हो गया आपका वायुमंडल, इससे पूरी पृथ्वी कवर हो गई, इन तीनों से क्या हुआ, इन तीनों से पूरी पृथ्वी कवर हो गई है, ठीक है। अच्छा, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका जैव मंडल, क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका जैव मंडल, जिसमें वायु भी है, जिसमें स्थल भी है और जिसमें जल भी है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका जैव मंडल, सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि जैव मंडल, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका जैव मंडल, या मैं ये कहूं बायोस्फीयर, ठीक। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, भौमजल, तालाब, झीलें, ग्लेशियर, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, लेक और ग्लेशियर, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है, ठीक, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका डी, यानी कि ग्लेशियर, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका डी, यानी कि ग्लेशियर, यह याद रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर से बड़ा सोर्स मीठे पानी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती, समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती और स्थानांतरित कृषि, इनमें से कौन सी मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करता, समोच्च जुताई, वर्षाधीन, पट्टीदार, स्थानांतरित, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन प्रिजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर, जो सॉइल फर्टिलिटी है और जो सॉइल मॉइस्चर है उसको उसके संरक्षण में मदद इनमें से कौन सी नहीं करती, है ना, समोच्च जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती और स्थानांतरित कृषि, कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा, देखो समोच्च जुताई ये मृदा उर्वरता में और नमी को बनाए रखने में मदद करती है, वर्षाधीन खेती भी है और पट्टीदार खेती दोनों, पर स्थानांतरित कृषि ऐसी नहीं है, ये क्या है, ये बेसिकली ऐसा है, इसी को बोलते हैं आपकी स्थानांतरित, है ना, इसी को कहते हैं आपका झूम कृषि, ठीक है, क्या बोलते हैं, झूम या स्लैश एंड बर्न, है ना, इसी को कहा जाता है आपका स्लैश एंड बर्न, ठीक। अच्छा, क्या है, ये है,
मान लो ये वन है पूरा, ठीक है, क्या है ये वन है, यहां पर ये हैं चार आदमी, ठीक। अब ये हुआ कि इन चार को खेती करनी है ना, ये घूम घूम के खेती करते हैं, कभी कहीं कर ली तो कभी कहीं कर ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इतने वन को साफ किया, ठीक है, क्या किया, इतने वन को साफ किया और भूमि बनाया और यहां पर खेती करने लग गए, 5 साल 6 7 8 10 जब तक ये भूमि उपजाऊ रही तब तक इन्होंने यहाँ खेती की, जब ये उपजाऊ नहीं रही तो फिर ये और आगे बढ़ गए, फिर इन्होंने इसे समाप्त किया, ठीक है, और समाप्त करने के बाद इसे भूमि बनाई, इसे छोड़ दिया, है ना, मतलब जला के छोड़ दिया, इसे जलाया, इस वन को बनाया, 5 7 साल 10 साल यहाँ खेती की, फिर इसे छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए और फिर इसे साफ कर लिया। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न, क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं स्लैश एंड बर्न स्थानांतरी या आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये मृदा जो है इसके अपरदन में सहायक, मतलब मृदा अपरदन इससे होता है, नमी नहीं रहती मिट्टी में और मिट्टी की उर्वरता भी जो है इससे समाप्त होती है, ये याद रखना। आगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है, जो सुनामी है इनमें से कौन सा मुख्य कारण है सुनामी का, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप और चंद्रमा का आकर्षण। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी, है ना, वोल्केनो, साइक्लोन, अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस और अट्रैक्शन ऑफ द मून। सुनामी का मुख्य कारण क्या है बताओ, सुनामी जो है इसका मुख्य कारण क्या है। देखो सुनामी कब आएगी, सुनामी आती है समुद्र में, समुद्र में सुनामी का मतलब है जो समुद्र की लहरें हैं वो बड़ी व्यापक और विनाशकारी कैसे हो सकती हैं, तब जब समुद्र की सतह पर कोई हलचल हो, है ना, समुद्र के पूरे पानी में कोई हलचल हो, पानी सतह पर है, अगर सतह पर कोई हलचल होगी तो उसके पूरे पानी में हलचल होगी और वो हलचल जो है क्या होगी, वो हलचल जो है वो सुनामी में तब्दील होगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा होगा अगर उसकी सतह पर कुछ हो, ज्वालामुखी फट जाए उससे सुनामी का क्या लेना देना, लेकिन अगर ज्वालामुखी समुद्र के बीच में फटता है, जैसे समुद्र में भी पहाड़ है ज्वालामुखी पहाड़ है, अगर ज्वालामुखी वहां फटता है तो समुद्र की सतह पर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी से भूकंप आते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे भूकंप आते हैं, और अगर वह ज्वालामुखी समुद्र की सतह पर है तो समुद्र की सतह पर हलचल होगी, इसका मतलब है सुनामी आएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ ज्वालामुखी लिखा है, ये नहीं लिखा कि ज्वालामुखी कहां स्थित है। चक्रवात का इससे कोई लेना देना नहीं है, चंद्रमा के आकर्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। समुद्री सतह पर अगर भूकंप आएगा, देखो ज्वालामुखी के बाद भी अगला जो चरण है ना वो भूकंप का है, किसका है, भूकंप का, पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का कंपन, सतह का कंपन। और सुनामी पानी से रिलेटेड है, वो भी सागर के, तो सागर की सतह पर कंपन होना चाहिए। तो ज्वालामुखी जो है वो अगर सतह पर फट रहा है और उससे भूकंप आ रहा है, तो मेन बात किसकी है, भूकंप की। तो समुद्री सतह पर अगर भूकंप आता है तो सुनामी आएगी, ये याद रखना, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत। व्हाट इज द हिमालयन माउंटेन रेंज एन एग्जाम्पल ऑफ, पूछ रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत। व्हाट इज द हिमालयन माउंटेन रेंज एन एग्जाम्पल ऑफ, पूछ रहा है जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये एग्जाम्पल है किसका, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट, ब्लॉक या बलित। देखो सच बात तो यह है कि यह बलित पर्वत का है, या फिर मैं ये कहूं फोल्डेड माउंटेन का है, किसका, फोल्डेड माउंटेन, या जो बलित पर्वत है ना उसका ये क्या है, उसका ये एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, जैसे दो प्लेट है, जैसे मान लो ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, ठीक है, ये प्लेट अंदर चली गई, ये प्लेट ऊपर है, ठीक है। अब ये प्लेट जब इससे टकरा रही है तो क्या होगा, इस पर बैंड पड़ेंगे, बैंड पड़ेंगे मतलब इस पर पड़ेंगे फोल्ड, ठीक है, और पीछे से, और जैसे पीछे से पहली बार प्रेशर आया आगे की ओर तो ये फोल्ड हो गई यहां, ठीक है, अभी भी पीछे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो दोबारा से फोल्ड होगी ये यहां, ठीक है, फिर प्रेशर आ रहा है तो फिर से फोल्ड होगी ये यहां, और प्रेशर आ रहा है तो फोल्ड होगी यहां, तो ये क्या, ये है फोल्ड, क्या है, ये है फोल्ड। ठीक इसी तरह के हिमालय, हिमालय में सबसे पहले क्या बना, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगर मैं साइड व्यू देखूं, मतलब मैं ये कहूं कि हिमालय के साइड में मैं आपको खड़ा कर देता हूं, जैसे ये है हिमालय पूरा,
ठीक है, जैसे ये है काराकोरम, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, ये है इस तरह से, है ना। और मैं यहाँ खड़ा करके तुमको दिखाऊं, ठीक है। तो क्या होगा जब जो यूरेशियन प्लेट है इसमें, ठीक है, इसमें जब इंडियन प्लेट टकराई होगी और पीछे से जब पुश हुआ होगा, तो सबसे पहले ये बनी क्या, काराकोरम रेंज, ठीक है। पीछे से पुश अभी भी चल रहा है, फिर बना ग्रेट हिमालयन, ठीक है, अभी भी पुश है, पुश है, तो फिर आया आपका जो मध्य हिमालय है वो, और फिर बनी आपकी शिवालिक, और फिर है मैदान, ठीक है। तो जहां मैं एक दिन खड़ा हूं, ये भी अगर इसी तरह से पुश होता रहा, तो मैं जो मैं खड़ा हूं ना, वो जगह भी यहां पर कहीं होगी, ठीक है। दिल्ली भी एक दिन हिमालय में मिली होगी अगर इसी तरह से ये चलती रही तो। वैसे भी हमारा भारत जो है, कहते हैं कि हर साल कुछ सेंटीमीटर छोटा तो हो ही जाता है, क्यों, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है ना, वो अभी भी ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हिमालय जो है वो किसका उदाहरण है, हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है, ठीक है, किसके, फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है, ये याद रखना। आगे, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल क्या होगा, 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट या 30 मिनट, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंटिन्यूस लॉन्गिट्यूड, कंटिन्यूस लॉन्गिट्यूड जो है इसके बीच जो मिनट का अंतर है वो क्या है, ठीक, बताओ जरा क्या है, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं मिनट के अंतर की, किसकी, अगर मैं बात करूं मिनट के अंतर की, तो कितना है, तो याद रखना, जैसे मान लो ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है 1 डिग्री, ये है 2, ये है 3, तो समय का अंतर होगा 4 मिनट, कितना होगा, समय का जो अंतर होगा दो लैटिट्यूड के बीच जो समय का अंतर है वो है 4 मिनट, दो लैटिट्यूड के बीच जो समय का अंतर है वो क्या है, वो है 4 मिनट, ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इनमें से कौन सा है जिसको ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह जो है यह कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल किसे कहेंगे, तो याद रखना यह कहा जाता है पृथ्वी को, किसको, यह कहा जाता है पृथ्वी को, क्या, नीला ग्रह, क्या कहते हैं, जो नीला ग्रह है यह कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है, हाँ। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, भोर और सांझ का तारा, भोर व सांझ का तारा किसे कहते हैं, भोर व सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को, ठीक है, किसको कहते हैं, यह कहा जाता है शुक्र को, यह याद रखिएगा, ठीक, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा इतने क्वेश्चन थे, ठीक, ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। यूपी पुलिस 2023 के लिए आपके पास सिपाही बैच है, क्रैश कोर्स है, 250 में आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास, क्लास नोट, सक्रिय फैकल्टी, डाउट सेशन यहाँ पर मिलेंगे, ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, कोई भी समस्या, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, कौन सा, 7080108555, इस नंबर पर फोन कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लीजिए। 10 जनवरी तक यह वैलिड है और कोर्स एकदम बेसिक से। फौजी बैच है आपके लिए लाइव, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास, क्लास नोट, सक्रिय फैकल्टी, डाउट सेशन यहां मिलेंगे, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी, ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है, ठीक है, यह याद रखना। आगे, आज अच्छा इतने क्वेश्चन थे, यहीं तक थे, चलो इस क्वेश्चन को बाद में कराऊं, पर जब आ गया तो बता देता हूं, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ, तो फांसीवाद का जो राजनीतिक सिद्धांत है ये इनमें से किस से शुरू हुआ है, तो याद रखना ये इटली से शुरू हुआ है, जो फांसीवाद का सिद्धांत है ये कहां से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है इटली से, ये याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। आपकी क्लास मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं, अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा। साथ में याद रखिएगा ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें पर पिन किया गया, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं,
यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यही प्रोवाइड कराते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे आपको यहाँ पर लिखना जरूर है, जो कुछ भी लिख लिया है उसे क्लास के बाद रिवाइज कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।